हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैच। मैं आज एक बार फिर से आपके साथ आया हूं। आज के हम इस वीडियो में बुलेट गन बॉम्ब इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं कि यहां से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके कुछ मिनट बाद दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सामने का आदमी सुना वो बॉम्ब की तरफ भागा या दूसरी तरफ भागा, तो इस केस में हमें पूछता है स्पीड क्या है, कितनी दूरी चलेगा। देखिए क्वेश्चन लगभग वैसा ही तरह का है जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था, चेजिंग का क्वेश्चन जहाँ पे हम पीछा करते हैं, लगभग कॉन्सेप्ट उसी तरह का है। आपको सिर्फ करना क्या है कि जो हमें क्वेश्चन जैसे बोल रहा है उसी क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। देखिए जिनके पास क्वेश्चन डाउनलोड करना है जिनको, आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फाइल का लिंक दिया हुआ डाउनलोड करने का, फाइल को डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को अपने पास रखिए। जो भी बच्चे अभी तक फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप डॉट क्वेश्चन आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है, चाहे वो इस टॉपिक का हो या कोई और टॉपिक का हो, आप क्वेश्चन को हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं गन और बुलेट का पहला जो क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है रेलवे स्टेशन पर एक आदमी 14 मिनट के अंतराल पर दो पटाखे फोड़ता है। एक और आदमी जो दूसरी ट्रेन से उसी स्टेशन की ओर आ रहा है पहले पटाखे के 13.5 मिनट बाद दूसरे पटाखे की आवाज सुनता है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर पर सेकंड है तो ट्रेन की गति बताएं। सवाल क्या कह रहा है कि 14 मिनट के अंतराल पर दो पटाखे फूटते हैं। मान लेते हैं यहां पर स्टेशन, यह स्टेशन आपका है, यहां से पहला पटाखा फूटा, यहां पे कोई ट्रेन पर कोई आदमी है जो इसी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ट्रेन इसकी किस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है। आप देखिएगा जब स्टेशन से पहला ब्लास्ट हुआ था, ये पहला ब्लास्ट है, जैसे ही पहला ब्लास्ट हुआ आवाज यहां तक पहुंची, आदमी यहां पे जब पहुंच चुका था उसने नोटिस किया और इसको पता चला एक आवाज आई है, बात ये कह रहा है। फिर बोल रहा है इस 14 मिनट हो गया था, दूसरा ब्लास्ट यहां से हो जाता है, 14 मिनट हो गया है तो सेकेंड ब्लास्ट यहां से होता है और इस बार ये कहीं यहां पे सुनाई देता है, इसे समझिएगा। और ये जो सुनाई देता है ये 13.5 मिनट बाद, अब समझिएगा बात को क्या, 13.5 मिनट बाद सुनाई देता है, आपको ये समझना है। इसका मतलब क्या है, अगर ये ट्रेन यहां रुक गई होती, तो ये 14 मिनट बाद जो इंटरवल जो है आपका दिया हुआ 14 मिनट का दूसरा बॉम्ब छूटने का, वो 14 मिनट बाद ही ये सुन पाता आवाज, अगर वो वहीं पे रुक जाता पहला आवाज सुनने के बाद तो। लेकिन हुआ क्या, वो अपने स्पीड से चलता आ रहा था और उसे दूसरी आवाज जो सुनाई दी वो 13.5 मिनट बाद, मतलब 13.5 मिनट तक ये चल रहा था। फिर से बता रहा हूं, पहली आवाज सुनने के बाद वो आदमी रुका नहीं, वो बढ़ता आया और उसको दूसरी आवाज 13.5 मिनट बाद सुनाई दी, इसका मतलब 13.5 मिनट तक वो लगातार चल रहा था। अब एक बात और कहिए मुझे कि अगर वो आदमी रुक गया होता, नहीं चलता, तो इसको ये आवाज कितने देर बाद सुनाई देनी थी, 14 मिनट बाद, लेकिन ये यहां पर आने के कारण इस आवाज कितने देर बाद सुनाई थी, 13.5 मिनट बाद। मतलब अगर यहां से यहां तक आवाज 13.5 मिनट में जाती है जबकि यहां से यहां 14 मिनट में चल लेती है, मतलब ये जो दूरी है इस दूरी को चलने में आवाज को सिर्फ आधा मिनट लगेगा, बात समझ में आई। मैं बोल रहा हूं कि अगर 13.5 मिनट में आवाज यहां पहुंची है, आवाज करने का मतलब साउंड, तो 14 मिनट में यहां पहुंच सकती है, इसका मतलब यहां से यहां साउंड के लिए मात्र आधे मिनट की दूरी है वो, तो जहां पे आपको दूरी यहां से यहां 13.5 मिनट में साउंड अगर ट्रेवल कर सकता है इस दूरी को, और जो ट्रेन है वो 13.5 मिनट में चल सकती है, इसका मतलब है जब दूरी कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो आपको दे रखा है, इसका हाफ है तो इसका 13.5 है, तो स्पीड का रेशियो आप क्या बोलेंगे, इसका 13.5 तो इसका आधा, अब काट दीजिए 5 से कितना हो गया, 5 × 10 = 27 और इसका 1। आपको यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी जो वैल्यू है 330 मीटर पर सेकेंड है, तो आपको बताना है इसकी चाल क्या होगी, तो इसकी चाल क्या होगी, 330/27 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो किलोमीटर में है, आप देखिएगा तो अगर आप मीटर में बताएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको निकाल लें सर एक बार, 9 और 110 इतना मीटर पर सेकेंड, लेकिन किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, तो क्या हो गया, 9 × 18 और 5 × 10 = 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर,
देखिएगा इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन है दिए हुए आपको पता है आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो सेकेंड क्वेश्चन है देखिए मेरे लिए जो सेकेंड क्वेश्चन है ग्रीन कलर का 9.3 करे मेट्रो लिप्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स अ पर्सन इज रनिंग टुवर्ड्स मेट्रो देन ही कैचेस द मेट्रो आफ्टर 12 मिनट्स इफ स्पीड ऑफ मेट्रो इज 16 किलोमीटर पर आवर फाइंड द स्पीड ऑफ मैन करे मेट्रो जो हर एक 15 मिनट बाद चलती है मान लेते हैं यहां से मेट्रो है यहां से चलती है हर एक 15 मिनट बाद इसका कहने का मतलब है कि अगर यह स्टेशन है तो यहां पे हर एक 15 मिनट बाद एक मेट्रो पहुंच जानी चाहिए मतलब पहला मेट्रो जब यहां पहुंच गई है तो इसके 15 मिनट बाद दूसरी मेट्रो को यहां पहुंचना है इसके 15 मिनट बाद दूसरी मेट्रो को कहां पहुंचना है यहां पहुंच जाना स्टेशन पे यही बात हुई लेकिन एक आदमी जो है वो क्या करता मेट्रो की तरफ जैसे ही देखता पहला मेट्रो क्या उसे पता 15 मिनट बाद दूसरी मेट्रो आएगी तो वो कुछ समय बचाना चाहता है मेट्रो के पास जल्दी पहुंचना चाहता है तो वो क्या करता आदमी स्टेशन पर से इधर भागना शुरू करता जिधर मेट्रो आता है मान लेते हैं थोड़ा दूर चल दिया है इसके बाद होता क्या है कि 12 मिनट बाद उसको मेट्रो मिल जाती है मतलब 12 मिनट बाद मेट्रो इसके सामने आ जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी 12 मिनट तक लगातार चलता रहा क्योंकि अगर यहां रहता ये तो इसे 15 मिनट इंतजार करना पड़ता ये क्या किया यहां से टाइम देखा और दौड़ना शुरू किया मेट्रो की तरफ तो देखा 12 मिनट बाद इसको मेट्रो मिल गई इसका मतलब 12 मिनट तक दौड़ता रहा बेचारा मेट्रो के साथ क्या हुआ मेट्रो यहां से यहां तक 12 मिनट में इसको मिल गई मतलब यहां पे आने में मेट्रो 12 मिनट ली तभी तो यहां मिली 12 मिनट बाद इसका मतलब यहां से यहां चलने में मेट्रो कितना समय लेगा 3 मिनट क्योंकि टोटल यहां तक आने में 15 मिनट ले रही है मेट्रो तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दूरी को आदमी 12 मिनट में तय किया उसी दूरी को मेट्रो 3 मिनट में तय कर सकता है इसका मतलब स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा 4:1 टाइम का रेशियो क्या है 1:4 तो स्पीड का रेशियो 4:1 मैं टाइम को इसलिए काट दिया क्योंकि मुझे स्पीड की ही जरूरत है आपसे बोल रहा है मेट्रो की जो स्पीड है ये दे रखी है 16 किलोमीटर पर आवर मेट्रो की स्पीड कितना दी है 16 किलोमीटर पर आवर तो आपसे पूछ रहा है आदमी का स्पीड क्या होगा तो 4 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू 4 आ रहा समझ में एकदम छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझ सुनना होगा बात को देखना होगा सिचुएशन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना होगा ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बन गया तो काम हो गया देखिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम कर टू बॉम्ब ब्लास्ट एट एन इंटरवल ऑफ 10 मिनट्स कर 10 मिनट के अंतराल पर दो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उस जगह से भाग रहा है एक व्यक्ति 12 मिनट के अंतराल पर दो धमाकों को सुनता है यदि ध्वनि की चाल दी हुई है तो आपको व्यक्ति की चाल बतानी है देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बात उल्टा हो रहा है यहाँ पे से बम मतलब यहाँ से मान लेते हैं बम यहाँ पे ब्लास्ट किया जा रहा था ब्लास्ट यहाँ पे बम हो रहा था तो पहला बम जैसे ही ब्लास्ट हुआ कहीं पहुंच गया यहाँ पे एक आदमी था जो इसको आवाज सुना जैसे ही वो भागना शुरू कर दिया बम की तरफ नहीं आ रहा है वो दूसरी तरफ भाग रहा है आपको सवाल क्या कह रहा है कि 10 मिनट के अंतराल पे बम ब्लास्ट किया गया मतलब जब पहली बार यहाँ पे बम ब्लास्ट की गई होगी तो जब दूसरी बार ब्लास्ट की जाएगी तो उसके 10 मिनट बाद यहां ब्लास्ट पहुंच जाना था 10 मिनट में यहां पे आवाज पहुंच जाना चाहिए था दूसरे ब्लास्ट की लेकिन होता क्या है दूसरे ब्लास्ट के बाद 12 मिनट बाद पहुंचती है 12 मिनट बाद क्यों पहुंचती है क्योंकि आदमी यहां पे है नहीं अब आदमी कहीं और चला गया मान लेते आदमी यहां पहुंच गया है तो ब्लास्ट को यहां से यहां जाने में कितना समय लग गया इसका मतलब 12 मिनट लग गया लगा कि नहीं अब मुझे बताइए कि जिस जगह को बम 12 मिनट में तय किया गया है वो आदमी की दूरी से कितना है कुछ दूरी होगा हमें यही दूरी निकालनी है या फिर इसी की चाल निकालनी है आदमी की तो आप देखिए एक चीज बड़ा अच्छे से कि जिस यहां से यहां चलने में बम को सिर्फ 10 सेकंड लगता था मतलब साउंड को सिर्फ 10 सेकंड लग रहा 10 मिनट लग रहा था अब यहां जाने में 12 मिनट लगा है मतलब ये जो दूरी है साउंड के लिए मात्र 2 मिनट की दूरी है कितने दूर की दूरी है मात्र 2 मिनट की दूरी है लेकिन आदमी की अगर बात करें कि आदमी जब यहां से यहां भागा होगा तो कितना समय लगा होगा तो आप देखिएगा कि जैसे ही इसने पहला आवाज सुना और यहां से यहां भागना शुरू किया और ये दूसरा आवाज जाकर यहां पे सुना और तब तक इसने टाइम देखा तो टाइम कितना हो गया था 12 मिनट इसका मतलब आदमी का 12 मिनट में चला हुआ दूरी और साउंड का 2 मिनट में चला हुआ दूरी दोनों बराबर है इसका मतलब दूरी का रेशियो आपको मिल गया तो आपको किस चीज का रेशियो मिल गया स्पीड का रेशियो मिल गया और आपको दिया हुआ 6 की वैल्यू कितनी 330 मीटर
पर सेकंड, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 पर मीटर पर सेकंड। एक बात और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको बताने की दूरी कितनी है, तो आप खुद देखिए कि अगर 55 मीटर पर सेकंड से, समझिएगा बात को, 55 मीटर पर सेकंड से आदमी चलेगा तो आदमी को कितना देर चला है, तो कहेंगे 12 मिनट। 12 मिनट मतलब 12 × 60 सेकंड, तो दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी, गुना कर लीजिए मेरे साथ, 12 × 5 = 60, 6 × 66 = 60, कितना आ गया, इतना मीटर की दूरी होगी। मतलब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखिए, अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे थे, एक तो आदमी इस तरफ भागे या आदमी दूसरी तरफ भागे, दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान रखना कि ये दूरी है, ये दूरी आपको बराबर रखनी है। पिछले जो कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट में अंतर क्या था, उसमें समय नहीं दिया हुआ था, इसमें समय दिया हुआ था, तो हमने डिस्टेंस बराबर किया। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके साथ लेकर आ रहे हैं, 2-3 सवाल लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल, मिसलेनियस सवाल, जो पूरे टाइम स्पिन डिस्टेंस के 2-3 सवाल जो अच्छे वाले सवाल हैं वो हम लेकर आएंगे, और वो हमारा आखिरी वीडियो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। इसके बाद सिर्फ आपका काम है, आप क्वेश्चन को बनाइए और हमसे पूछिए। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।